कश्मीर पर ईरान ने पाकिस्तान को झिड़का, ताकते रह गए सहवाज, जाने भारत की बड़ी जीत कैसे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। इसराइल से जंग जैसे हालातों के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तानी पीएम सहवाज शरीफ ने बाहें खोलकर स्वागत तो किया, लेकिन पाक के काले मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। रायसी से चर्चा के दौरान सहवाज ने फिर कश्मीर राग अलापा और भारत के खिलाफ जहर उगला। वह रायसी से भी भारत के खिलाफ बयान चाह रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। रायसी ने कश्मीर मसले पर एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ गाजा की बात करी। ईरान से पहले सऊदी अरब भी कश्मीर पर भारत की सप्रभुता स्वीकार कर चुका है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की पाक यात्रा के दौरान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। पाक पीएम सहवाज शरीफ के मंसूबे तक हवा में उड़ गए जब रायसी ने कश्मीर के बजाय सिर्फ इजरायली सेना का कल्याण झेल रहे गाजा शहर पर बात करी। ईरान के इस हालिया कदम ने कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया है। जब सहवाज करने लगे भारत की बुराई, रायसी ने बात तक नहीं की। ईरान ने कश्मीर पर पाकिस्तान को बुरी तरह झिड़का। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के साथ पाकिस्तानी पीएम सहवाज शरीफ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक से सहवाज ने रायसी के सामने कश्मीर का बड़ा मुद्दा उठा दिया, साथ ही ईरान के मामले में समर्थन भी मांगा। सहवाज ने अपने बयान में कहा कि गाजा में मुस्लिमों के साथ हो रहा अत्याचार असहनीय है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह कश्मीरी भी भारत सरकार के जुल्मों को सहन कर रहे हैं। भारत की कूटनीतिक जीत। कश्मीर पर रायसी की चुप्पी ने सहवाज को सन्न कर दिया। रायसी ने गाजा के मुद्दे पर पाकिस्तान को शुक्रिया जरूर कहा, लेकिन कश्मीर मसले पर एक शब्द तक नहीं कहा। ईरान का यह कदम न सिर्फ उसके संतुलित दृष्टिकोण दर्शाता है, भारत की कूटनीतिक जीत भी दिखाता है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। कश्मीर पर ईरान का कदम सऊदी अरब के हालिया बयान को समर्थन करता है, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।